द कश्मीर मूवी के बाद में आई द केरला स्टोरी। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी मूवी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने भी यही कहा है कि एक बार हिंदुस्तान के हर उस इंसान को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ऐसी ही आतंकी साजिश पर, बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है, जिससे आपको जीने का पता चलेगा, आपके बच्चों को पता चलेगा कि आखिरकार वो किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, क्या माँ बाप की अहमियत होती है उसके जीवन के अंदर, बच्चों का क्या फर्ज होता है अपनी लाइफ के अंदर, किस कदर वो किस एज के अंदर आकर के वो भटक जाते हैं, कॉलेज लाइफ हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर सामाजिक लाइफ ही क्यों ना हो, किस कदर लोग उनके माइंड के साथ खिलवाड़ करके और आपके बच्चे को गलत दिशा के अंदर मोड़ देते हैं, जिससे कि उनका पूरा भविष्य तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ उजड़ जाती है आपकी खुद की सामाजिक और पारिवारिक लाइफ। इसी के चलते आचार्य मनीष जी ने अपने 2500 से अधिक स्टाफ के लोगों को निःशुल्क ये मूवी दिखाई है और कहा है, एक मुहिम जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मूवी की टिकट अगर हमारे क्लिनिक पे या हॉस्पिटल के अंदर लेके आता है तो उसे 20-25% तक की छूट दी जाएगी दवाइयों के ऊपर। और एक और अपील है, भारतवासी होने के नाते आचार्य मनीष जी ने यह कहा है कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए ये मूवी देखने के लिए। ये मूवी आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए, खासकर अपनी बेटियों के लिए, अगर आप उनको चाहते हैं कि किसी गलत दिशा के अंदर उनका कदम ना उठ जाए, तो ये मूवी जरूर देखिएगा। रियल स्टोरी पे बेस्ड है और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जब ये मूवी देखोगे ना, तो आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, आप लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है, तो कम से कम दो दो चार चार पांच पांच लोगों को मैसेज जरूर डालना कि मूवी जरूर देखो, ताकि उन लोगों को भी अवेयरनेस मिले, उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी पता चले कि देश में हो क्या रहा है और हमें इसको कैसे रोकना है या कैसे अवेयर होंगे। तो ये करोगे कि नहीं? कम से कम 3 लोगों को 10 लोगों को जरूर बताना, ताकि जैसे मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये सब पता लगना चाहिए, तो हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया। ऐसे अभी कल पूरी की पूरी यूपी गवर्नमेंट ने, पूरी मिनिस्ट्री ने, सबने इकट्ठे बैठ के देखी है। परसों पता होगा शायद आपको कि नहीं, अखबार में पढ़ा होगा, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी पूरी कैबिनेट के साथ सबने इकट्ठे मूवी देखी। ऐसे ही अभी असम के मुख्यमंत्री भी अपनी पूरी टीम को लेके गए, तो उससे होता क्या, अवेयरनेस बढ़ती है। तो आप लोगों की भी ड्यूटी है ना कि सोशल मीडिया पे या जो भी आपके अकाउंट्स हैं वहां सब जगह पे आप लोग प्रमोट करो इस चीजों को। थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी को सेव कीजिए, यही हमारी आशा है, यही हमारी एक उम्मीद की पहल है कि ये मूवी देखिए और अपने जीवन के अंदर उन गलत रास्तों पे ना जा करके सही रास्तों के ऊपर जाए। जय हिंद, जय भारत। और आज हम आए हैं जीना सीखो कंपनी की तरफ से एक केरला स्टोरी मूवी देखने के लिए, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बनी है, जहाँ पे एक एम्प्लॉयर सोचता है कि 9 घंटे में 10 घंटे का काम ले लूं और अपने एम्प्लॉयज को हर वक्त काम 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 में रखता है, वहाँ पे आचार्य मनीष जी ने एक मुहिम चलाई है जहाँ पे ऑफिस आर्ट्स के अंदर वो इम्प्लॉयज को मूवी दिखाने लाए हैं, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे है। तो आइए इम्प्लॉयज से जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, आप आज मूवी देखने आए हैं वो भी ऑफिस आर्ट्स में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, सो आइए हम जानते हैं आपसे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने मूवी दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, हमें काम के साथ साथ हमें एंजॉय भी करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी कंपनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑफिस आर्ट्स के बीच में आप मूवी देखने आए, आपको कैसा लग रहा है?
बढ़िया है, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे साथ। पहली बार हुआ है? सो आर यू एक्साइटेड? यस मैम। कितने एक्साइटेड हो? 100% 100% एक्साइटेड। ओके, ऑफिस आवर्स के बीच में मूवी देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आचार्य जी। ऑफिस आवर्स के बीच में आप मूवी देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। आचार्य जी को कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑफिस आवर्स के बीच में आप मूवी देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफिस आवर्स के बीच में और सारे ग्रुप पूरे ऑफिस में मैक्सिमम लोग आ जाए हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और थैंक्स टू आचार्य जी जिन्होंने हमें ऐसा एक मौका दिया, वो हमेशा ऐसी नई नई चीज़ लेकर आते हैं, मोटिवेशन देते हैं एम्प्लॉइज को, और रियली थैंक्स टू आचार्य जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है और ये कंपनी का सराहनीय फैसला है, इसके लिए हम सभी की ओर से मैं धन्यवाद भी देती हूँ कंपनी को। आचार्य जी को यही कहना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत थैंक्स। ऑफिस आवर्स के बीच में आप मूवी देखने आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लिटरली आई एम फीलिंग लाइक स्ट्रेस्ड आउट एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट, इट्स वेरी नाइस। आचार्य जी के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने हमें इतना अच्छा चांस दिया कि हम इतना मीनिंगफुल मूवी देखने के लिए आए हैं, एंड थैंक यू सो मच अगेन। कि कैसा लगा आपको मूवी? इट्स अ गुड मूवी, थॉट प्रोवोकिंग मूवी है काफ़ी। इट शोज हाउ दीज डेंजरस ग्रुप्स यूज सच वल्नरेबल ग्रुप्स, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इनको यूज़ करते हैं कैसे डेंजरस एक्टिविटीज़ के लिए। एंड आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आर मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य मनीष जी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड ब्रिंगिंग लाइट टू सच इशूज एंड making all the employees watch this movie so that more and more people watch this movie and get to aware about what's happening in India. So this ye movie sabko dekhni chahiye at least. Movie mere bahut achi lagi, obviously ki khaas taur pe reality pe hai aur uske liye thoda kuch action bhi start hoga, ye cheeze abhi bhi real mein ho rahi hai jo ki logo ko iske bare mein guide nahi hai, to is pe sarkar kaam karegi iski aur start bhi kar diya ki is movie ko banakar unhone. Kya message mila aapko is movie se? Yahi ki लोगों से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज में चल रहा है वो बिल्कुल सच इन्होंने हमें दिखाया है, तो हमें जागरूक होना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। वेरी गुड। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, लड़कियों को जरूर देखनी चाहिए, इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या मैसेज मिला? हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और सोच समझ के हर चीज़ देख कर करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी देखना है कि हम अपना धर्म चेंज कर देंगे गलत बात। मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत ही अच्छा था, इसमें हमें जगाया गया एक तरीके से, खास करके मैं कहूँगा जागो हिंदू जागो, तो जो इनका पर्पज था एक मैसेज था देने का कि आप आगे से ध्यान रखो इस चीज़ का, खास करके जो हमारी बहनें हैं जो लड़कियाँ खास करके उनको दिखाया गया मोटिवेट करने के लिए कि आगे से ऐसा कुछ गलत डिसीजन ना लो, बंदे ज़्यादा मॉडर्न होके ना तो ज़्यादा इस वॉक करने के चक्कर में घुस जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, और अगर हम इस टाइम से नहीं जागरूक होंगे फिर हमारे लिए आगे चल के बहुत मुसीबत हो सकती है। थैंक यू। आपको मूवी कैसी लगी? Should I be brutally honest? Yes. Movie was too good. Every person should watch this movie. इस मूवी में मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये हमारा वेद भी बताता है, जो हम हिंदू बीइंग हिंदू हमारा वेद भी बताता है, क्रोध अगर यानी गुस्सा समय पे भी किया जाए तो वो आपका पुण्य बन जाता है, लेकिन वही गुस्सा अगर आप टाइम रहने पे ना किया जाए तो वो आपका पाप बन जाता है। जब वो लड़कियां हिजाब पहन के आई थी, अगर उनके पेरेंट्स तभी अगेंस्ट हो जाते तो इतनी बात बढ़नी नहीं थी, उनका गुस्सा उन्होंने उस समय सहनशीलता को अपनाया जो कि एंड में आके पाप बन गया। यही कारण है कि हमारे वेद कहते हैं कि भीष्म पितामह जिन्होंने समय रहते पे गुस्सा नहीं किया था तभी उनको बाणों की शैया मिली, और जटायु जिन्होंने समय रहते गुस्सा किया था तभी उन्हें हमारे भगवान श्री राम की गोद मिली। थैंक यू। मूवी में जो दिखाया गया है रियलिटी है लाइफ की, यही कहना चाहता हूँ कि जो वुमन है उनको हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, ठीक है। बाकी जो भी इसमें हिंदू रिलीजन के खिलाफ दिखाया गया है वो वैसे गलत है, कहना नहीं चाहिए। मूवी तो बहुत अच्छी है और मूवी तो पूरे इंडिया में हर कोई को देखना चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो। और पहली बात मैं ये मूवी से मैं बताना चाहता हूँ, सबको मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पहले अपने रिलीजन के बारे में समझाए और बताए कि हमारा ये जो है धर्म है, हमें इसमें ये होनी चाहिए, ताकि आगे पता लगे बच्चों को। यही इस मूवी मैंने देखा है कि जिनको बढ़िया से पता नहीं था, मतलब कॉलेज लाइफ की वो थी तो उनको पता नहीं था अपने रिलीजन के बारे में, तो वो मतलब माइंड सेट ऐसा कर दिया उन्होंने कि वो कन्वर्ट हो गए उसमें। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप कहीं भी मतलब कोई भी रिलीजन से हो आप उनको अपने बारे में समझाएं पहले कि हम कैसे पहले हमारे साथ क्या होता था, पहले अब क्या हो रहा है, हमारे रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम सब बताना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने आज ये मूवी देखी द केरला स्टोरी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट नहीं करना।
ओके, तो आपके ऑफिस की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब महीने में दो तीन महीने में एक बार हमेशा होनी चाहिए। आचार्य जी के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, तो आप अपनी ऑफिस की तरफ से, जीना सीखो की तरफ से आज सब इकट्ठे मूवी देखने आए हैं, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं इस मूवी से? सीख के जा रहे हैं। क्या सीखा? कि अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपने क्या सीखा? जो भी काम करना है सोच समझ के, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट करना चाहिए किसी पे जल्दी से। तो आचार्य जी ने आपको ये जो मौका दिया है इकट्ठे सब मूवी देखना है, उनके लिए कोई मैसेज? देखती हूँ, बट उनकी तरफ से देखी मैंने फर्स्ट टाइम। ओके, तो उनके लिए कोई मैसेज? थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच आचार्य जी। हाँ जी, थैंक यू आचार्य जी। ओके, ए हिंदू फ्रॉम केरला, टेल मी व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आइसिस? आइसिस कब जॉइन किया ये जानने के लिए क्यों जॉइन किया और कैसे जॉइन किया ये जानना जरूरी है। द ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़के